हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप अपनी डायमंड ज्वेलरी को कैसे घर पर क्लीन करें। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी 3-step प्रोसेस। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी लेना है जिसमें आपकी ज्वेलरी जो है अच्छे से डूब जाए। और इसके अंदर हम डाल देंगे अब 1 चम्मच नमक। तो मैं इसमें डाल दूंगी नमक। अब हम इसको अच्छे से घोल लेंगे। घोलने के बाद आपने क्या करना है, जो भी आपके डायमंड ज्वेलरी को आपने क्लीन करना है उसको आपने इस पानी के अंदर डिप कर देना है। तो मैं डिप कर रही हूँ अपने एयरिंग्स और अपने रिंग को, और इसको हमने डिप कर देना है एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। तो हमने कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर जैसे आपके जहाँ डायमंड लगे हुए हैं उस जगह पे ऐसे उल्टा करके आप डिप कर दें। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम निकाल लेंगे अपनी ज्वेलरी को एक खाली बाउल के अंदर। हल्का सा इसको टिश्यू पेपर से आप क्लीन कर लेंगे। सेकेंड प्रोसेस में उसके लिए आपको चाहिए होगी कोई भी टूथपेस्ट। आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं, तो मैं कोई ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। कोई भी ब्रांड की आप टूथपेस्ट ले लीजिए अपने फिंगर के ऊपर। अपनी ज्वेलरी जहाँ पे डायमंड लगे हुए हैं वहाँ पर हल्की हल्की लगा दीजिए। सारी ज्वेलरी पे लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे से 1 मिनट तक मसाज करनी है अपने फिंगर से। ऐसे ही कर लेंगे सेकंड को। तो ये ओरिजिनल डायमंड है इसलिए मैं कर रही हूँ। कई लोगों के मेरे पास पिछली वीडियो पे भी कमेंट आए थे कि मैम हम ओरिजिनल डायमंड लेंगे तो ख़राब तो नहीं होंगे। तो ऑफकोर्स ओरिजिनल डायमंड जो होते हैं वो कभी भी काले नहीं पड़ते हैं, बस उसमें मैल फंस जाती है। तो मैं आपको ओरिजिनल डायमंड ही दिखा रही हूँ, क्योंकि आर्टिफिशियल डायमंड का मतलब क्या हुआ मुझे खुद समझ नहीं आता। अगर मैं डायमंड बोल रही हूँ तो मैं आपको डायमंड ही दिखा रही हूँ। और वैसे भी जो गोल्ड और सिल्वर होता है, इस पर हम चाहे साबुन लगाएं चाहे हम कुछ भी लगाएं, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होते। डायमंड कभी भी काले नहीं पड़ते। अगर आपके ओरिजिनल डायमंड है तो कभी भी काले नहीं पड़ेंगे। ये हमेशा इसके अंदर मैल फंस जाती है। कुछ कुछ दिनों में इसको क्लीन करना पड़ता है, जैसे कि 1 मंथ या 2 मंथ में। तो मैं वही कर रही हूँ, मेरे को हो चुके हैं 1-2 मंथ्स। वैसे मेरे बहुत ज़्यादा तो गंदे नहीं थे, बट फिर भी माइंड मेंटेन करने के लिए इसको क्लीन कर रही हूँ। तो सबकी मैं मसाज कर चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँगी, जो टूथपेस्ट वाला ब्रश होता है वो लूँगी। मैंने लिया है टूथपेस्ट वाला ब्रश, हल्का सा, बिल्कुल ही सॉफ्टली। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना, वैसे आपने इसको क्लीन करना है। बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है अपने डायमंड्स को, बिल्कुल लाइट हैंड से। जैसे हम बहुत ज़्यादा लाइट बेबी टच सॉफ्ट होता है, वैसे हमने इसको सॉफ्टली हल्का सा डायमंड के ऊपर इस टूथपेस्ट को हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो ऐसे ही हम कर लेंगे सबको। तो जब आपने टूथपेस्ट अप्लाई कर लेनी है, इसके बाद आपने इसको छोड़ देना है एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए। और तो अब 5 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, खाली पानी का बाउल लेंगे, उसके अंदर ये वाली ज्वेलरी को डिप कर देंगे और अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हमें चाहिए होगा एक खाली बाउल अगेन, जिसके अंदर हम साफ पानी लेंगे और अपनी ज्वेलरी को इसके अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। करने के बाद चलिए चलते हैं अपने 3rd step की तरफ। स्टेप में हमें चाहिए होगा अगेन एक खाली बाउल, जिसके अंदर हम डाल देंगे कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट को। तो मैं सर्फ एक्सल डाल रही हूँ, आप कोई भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको घोल लेंगे। तो इसको अच्छे से घोलने के बाद हम अपनी ज्वेलरी को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे।
आप देख रहे होंगे मैंने बहुत सारे बाउल्स का यूज़ किया है, तो आप भी बहुत सारे बाउल्स का यूज़ कीजिए। कभी भी टैप के नीचे अपनी ज्वेलरी को मत धोइए क्योंकि वो गिर भी सकती है, तो आप सिर्फ बाउल्स के अंदर ही इसको क्लीन करेंगे। बस हम इसको ऐसे घोल लेंगे और इसके अंदर डिप रहने देंगे फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स हो चुके हैं, अब हमें चाहिए होगा एक साफ पानी का बाउल, क्योंकि ये सर्फ वाला पानी है, तो इसे निकाल के अपनी ज्वेलरी को साफ पानी के बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। करने के बाद कॉटन से इसे अच्छे से साफ कर लेंगे। के बाद आप देख सकते हैं मेरे जो डायमंड्स हैं वो कितने ज़्यादा चमक रहे हैं, एकदम से साफ हो गई है मेरी ज्वेलरी, वो भी बिना कोई पैसे खर्च किए हुए। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं सबके घर में इजीली अवेलेबल रहते हैं। डायमंड कभी भी काले नहीं पड़ते, बस इसके अंदर मैल जम जाती है, तो इसको 1 महीने बाद हमें हमेशा क्लियर करते रहना होता है। तो यही थी बस मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, बाय।